भाई साहब, फिर अगले महीने की 5 तारीख ठीक रहेगी बारात के लिए? भाई जैसा आपको मुनासिब लगे, हमें तो कोई एतराज नहीं। भाई सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बहनी मिठाई दो। दिलीप भाई, मुंह मीठा करना है, आंखें नहीं। एनी, तो भाई साहब फिर अगले महीने की 5 तारीख को बारात और 6 का वलीमा, ठीक है ना? हम उसके हिसाब से अपने कार्ड छपवा लेंगे। मां आपको जबान दी है तो कायम तो रहना पड़ेगा ना। जहरा बहन जी, खैरियत तो है? आप कुछ परेशान लग रही हैं। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। देखें बहन, आपको पता तो है लड़कियों को एक ना एक दिन तो अपने घर जाना ही होता है ना, और फिर फरी को तो हम बहुत मोहब्बत से ले जा रहे हैं, इसका बहुत ख्याल रखेंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। इंशाल्लाह, बस मैं तो ये सोच रही थी कि थोड़ा वक्त हमें और मिल जाता तो थोड़ी बहुत तैयारी और कर लेते। लेकिन आंटी कैसी तैयारियां, सारे मामला तो तय हो चुके हैं, हम जहेज नहीं लेंगे। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे बेटा। आमीन। लेकिन माँ बाप के कुछ अरमान होते हैं, दुआओं में बंधा प्यार होता है। अब दुनिया उसे जहेज का नाम दे या फिर किसी और का। जरा परेशान मत, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो वली, बहुत मुबारक। इन सच कहूँ ना, आज अच्छा नहीं लग रहा मुझे। मेरी सबसे लाडली बहन को लेके जा रहे हो तुम। हद हो गई भाई, हम तो डर ही गए, पता नहीं क्या कहने वाले हो। हैं सब बेटा, लीजिए ना आप लोग। आप तो तैयारी पकड़े, वो तो आज ही लेके जाएंगे आपको। यूं ही हंसते हंसते वलीद भाई के साथ रुखसत हो जाना। अगले माह की 5 तारीख तय हुई है। लेकिन मेरी बहन, आपने मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, मैं आपके बगैर जी लूंगी। आपकी ज्वेलरी, आपके जूते, आपके कपड़े आपकी कमी महसूस नहीं होने देंगे। और हाँ, कपड़ों की फिटिंग की टेंशन नहीं लेनी, वो मम्मी कर देंगी ठीक मेरे लिए। और आपके फैंसी वाले हैंड बैग तो मैं सीने से लगा के रखूंगी। कितनी तेज हो ना तुम, मेरी सारी चीजों पर नजर रखी हुई है ना तुमने। आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। भाई हम जा रहे थे तो हमने सोचा अपनी बहू से मिलते चलें। बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह तुम्हारे दम से हमारे घर में बरकत डाले। मेरे वलीद के साथ हमेशा खुश रहो। अरे बहन, इसकी क्या जरूरत है, पहले ही आप लोग मंगनी पर बहुत कुछ कर चुके हैं। देखें भाई, ये मेरा और मेरी बेटी का मामला, इसके दरमियान तो आप आएंगे। थैंक यू। जी दिया, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। हाफिज़ बेटा। अल्लाह हाफिज़। कितने पैसे दिए आंटी ने तुमसे? मतलब डेट फिक्स हुई है, बंदा कम से कम आइसक्रीम ही खिला देता है। अच्छा, मेरी मर्जी की नहीं, आपकी मर्जी की खा लेंगे, इंसान बन जाओ। पापा मोमिन कहीं जा रहे हो बेटा? जी अम्मा, आ रहा हूँ अभी। अच्छा 2 मिनट रुको, मैं मिठाई लेकर आती हूँ, खाला के यहाँ देते जाना। अभी लाई। ये लो, मुंह मीठा करो। खाला के घर से आइए। तुम्हें पता था कि आज फरी की बात पक्की होनी है? जी, मोमिन ने कल बताया था। अच्छा, कौन देके गया मिठाई? मोमिन खुद आया था। बाहर से क्यों चला गया? जल्दी में था। इतनी ही जल्दी थी तो मिठाई क्यों देने आया? अरे भाई कोई काम होगा इसीलिए अंदर नहीं आया। अब इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, मैं भी नहीं जाऊंगी।
और बोल दूंगी मुझे भी बहुत सारे काम है। खबरदार जो तंग किया उसको। ऐसे ही प्यार से लगा के उसको अंदर लेके आना था ना। तुम्हारे बाबा को पता चलेगा ना फिर मूड ऑफ करके बैठ जाएंगे कि उन्होंने फरी की बात पक्की कर दी। आखिर बाबा चाहते क्या है? वो लोग अब फरी की शादी ना करें? पता नहीं क्या चाहते हैं तुम्हारे बाबा। ये बात क्यों नहीं समझते कि जहाँ फरी की बेहतरी होगी वहीं अल्लाह ने सबब बनाया है। बिल्कुल। आशी तुम्हारे लिए। मैं नाराज हूं तुमसे। पहले आए थे तो अंदर क्यों नहीं आए? तुम्हें मनाने के चक्कर में ये आइसक्रीम पिघल जाएगी। घर वालों के लिए लेने निकला था तो सोचा तुम्हारे लिए भी ले लें। Thank you. You're welcome. अब जाओ। क्या हुआ, चला गया? जल्दी थी उसे तो एक प्यार से लगाती हूँ और ले आती अंदर। बदला ले रही है? हाँ पिघल रही है आइसक्रीम। चले भाई, ये अचानक आज आइसक्रीम का प्रोग्राम कहाँ से बन गया? अबा वो मेरी बहन का दिल कर रहा था तो मैंने सोचा लेता हूँ। हाय अल्लाह, आप हमारी बातें सुन रहे थे? जी नहीं, अल्लाह ने सुनवा दी। बल्कि यूं समझो कि अल्लाह ने किसी भूखे की मदद के लिए भेज दिया मुझे। थैंक्स। एक बात मुझे अभी तक नहीं समझ आई है, आइसक्रीम काफी मेल्ट हुई हुई है। लगता है कहीं रास्ते में ब्रेक लगानी पड़ गई। अच्छा यहाँ के बैठो, चुप करके खाओ, ये लो। भाई अब्बा से ऐसा क्या पड़ता? देख रहे हैं अब्बा। अरे तू क्यों डांट रहे हो मेरी बेटी को? सही तो पूछ रही है, कहीं तो रुके होगे जो आइसक्रीम इतनी मेल्ट हो गई। अब्बा मतलब आप भी? अरे भाई क्यों तंग कर रहे हैं मेरे बेटे को? जब हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे तो आइसक्रीम तो मेल्ट होती रहेगी ना। आप सबने मिलके ना अच्छा मजाक बना दिया मेरा। अब्बा देखिए मेरा भाई शर्म से कितना लाल हो रहा है। मेरा मोमिन है ही शर्म वाला। मोमिन होता ही शर्म वाला। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मोमिन की दुल्हन परी की रुखसती के साथ ही ले आ। ये बहुत अच्छा आइडिया है। एक बेटी जाएगी तो दूसरी बेटी आ जाएगी। अम्बा ये क्या बात हुई, इस तरह तो मैं भाई की शादी भी नहीं एंजॉय कर सकूंगी। सुनो
मेरी शादी पे कोई धूम धड़क्का नहीं होना है जो तुमने एंजॉय करना। अम्मी देख ले अपने शर्म वाले बेटे को, अब्बा ने कह दिया तो कैसे पक्के हो गए। मैंने तो यूं ही बात की है अब्बा, और वैसे भी नई नई जॉब है, इतनी जल्दी क्या है शादी। अच्छा लेकिन मंगनी तो की जा सकती है ना, वैसे भी आंसा और जमील भाई इतनी जल्दी शादी के लिए मानेंगे नहीं। तो मेरा तो ख्याल है कि हम इस इतवार को बाकायदा जाते हैं और रिश्ता मांगते हैं और मंगनी की छोटी सी रस्म की इजाजत भी ले लें, हां क्या ख्याल है। देख लें भाई, आ गई ना आइसक्रीम काम, हम जैसे ऊपर लुटाते रहेंगे तो यूं ही फायदे में रहेंगे। फिर ये भी लो। बहुत बहुत मुबारक हो आपा, सुने तारीख रहती। खैर मुबारक, अभी एक मुबारक और लेनी है तुमसे, मुबारक लेंगे भी और मुबारक देंगे भी। किस बात की? इतवार को आएंगे ना, फिर बात होगी। हाँ हाँ आपा, आपका ही घर है, सौ बिस्मिल्ला। हम तो अपना समझते हैं लेकिन जमील भाई हमें अपना नहीं समझते। अरे नहीं आपा, ऐसी कोई बात नहीं है, खुद मसरूफ थे तो कम अज कम तुम्हें ही भेज देते। आपा मुझे मालूम होता कि फरी के ससुराल वालों ने आना है तो मैं खुद आ जाती। क्या मतलब, तुम्हें जमील भाई ने बताया नहीं? क्या नहीं बताया? अच्छा चलो, मसरूफियत की वजह से भूल गए होंगे, अब तुम उनसे इस बारे में बात मत करना कोई। आपा किस बारे में? क्या जमील को पता था कि फरी के ससुराल वालों ने आ जाना है? हाँ, शहजाद ने सुबह कॉल की थी कि तुम लोग जरूर आना। आपा यकीन करें मुझे नहीं बताया, बस काम धंधे की टेंशन में रहते हैं ना, भूल गए होंगे। भाई साहब तो बहुत नाराज होंगे। अब तुम भूल जाओ, इस बात को दिल पर मत ले लो। क्या दिल को लगाना, हमेशा मुझे ही शर्मिंदा करते। आंसा मैंने कहा ना, भूल जाओ इस बात को, बस जाने दो। ठीक है अबा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे वाह भाई, मिठाई ये कहाँ से आ गई? जिनकी खुशियों में आपने जाने से इनकार कर दिया था। जमील कम से कम मुझे तो बता देते कि शहजाद भाई ने हमें बुलाया था। मैंने बता दिया था कि मैं नहीं आ सकता। किसी की खुशियों में शरीक होंगे तो अल्लाह आपको भी खुशियां देगा। जानबूझ के शहजाद साहब ने फोन किया था मुझे मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए कि मैं फरी की तारीफ कर रहा हूँ। जब मैंने अपने भाई के बेटे के लिए रिश्ता मांगा था उस वक्त इनकार कर दिया था मुझे। वसीम फरी के लायक नहीं था। हाँ और वलीद तो किसी रियासत का शहजादा है ना। पढ़ा लिखा तो है, वसीम की तरह मिडिल पास तो नहीं है। तो वसीम भी खाता कमाता है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। लेकिन नहीं, तुम तो अपनी बहन की हिमायत में बोलोगी, मैं लाख दलील दे दूँ तुम्हें। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती है, वसीम की शादी हो गई, बात पुरानी हो गई, लेकिन आपके दिल से आज तक ये बात नहीं निकली। इज्जत वालों की जब बेइज्जती होती है तो उन्हें सारी जिंदगी याद रहती है। तुम्हारी बहन और बहनोई ने मेरे भाई के बेटे के रिश्ते से इनकार पे मेरा जो, मैं वो सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। क्या कहूं आपसे, आपके दिल को तो जैसे अल्लाह ने पत्थर का बना दिया है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अपनी बहन के गुनगाओ। मैंने रोका? जब मैंने नहीं रोका तो मुझे ही मत टोको। ले जाओ ये सब मिठाई बिठाई यहां से।
आप मसरूफ हैं? बोलो। बंदे को अगर कोई दो घड़ी दुख बांटने वाला मिल जाए तो उसका बड़ा दुख हल्का हो जाता है। रानी, किस बात का दुख है? मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो आपको देखकर मुस्कुराती हैं। जब आप नहीं होती हैं तो वो घंटों घंटों सोचती हैं। उनकी आदत है। आप उनके पास बैठा करें, उन्हें वक्त दिया करें। ज्यादा बैठने लगी ना तो बोर हो जाएंगी मुझसे। नहीं माया बीबी, आपको देखकर तो वो जीती हैं। सीधी बात पे आओ ना रानी, क्या हुआ है? माया बीबी, आपको पता है आज पूरा दिन बेगम साहिबा ने अपने आप को कमरे में बंद रखा था और मुझे यकीन है कि वो रो रही थी कमरे में। कॉल आई थी उनकी। माँ, मैंने आपसे पहले भी कहा है, जिस तरह मैंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया आप भी कर दें। शायद इसी बहाने वो थोड़ी आपकी कदर करना शुरू कर दी। अब तो अगर कदर हो भी जाएगी तो कोई फायदा ही नहीं। क्यों कॉल किया था? वही कंप्लेन कि तुम उनसे बात नहीं करती। तो मैं उनसे बात करूंगी भी नहीं। 7 साल में एक बार भी पलट के देखा उन्होंने मुझे, मैं उनसे बात क्यों करूं? बेटा, तुम्हें बात करनी चाहिए। बेशक मेरे साथ रिश्ता टूट गया है, लेकिन तुम्हारे साथ उन्हें कभी रिश्ता टूट सकता। कौन सा रिश्ता? जिसको वो इतने अरसे से बुलाए बैठे हैं, वो रिश्ता? जब वो अपनी दूसरी फैमिली के साथ होते हैं उनको याद भी होता है कि उनकी एक और बेटी है। उन्हें तुम्हारी फिक्र है, मुझे लगता है उन्होंने तुम्हारे लिए कोई रिश्ता ढूंढा है। मेरी शादी के फैसले पे किसी का अख्तियार नहीं है और उनका तो बिल्कुल भी नहीं। आइंदा उनका फोन आए तो उनसे कहिएगा मेरी फिक्र करने से पहले आपकी फिक्र करने, क्योंकि मैंने तो उनको कभी मिस नहीं किया, लेकिन आप जरूर करती हैं। अब तो मिस करने का भी ताल्लुक खत्म कर दी। माँ, डिवोर्स दे दी उन्होंने मुझे। वो शख्स हमारी जिंदगी से चला गया जो कभी था ही नहीं। एहसान साहब, जब मेरी माँ से आपका ताल्लुक ख़त्म हो गया तो फिर आज से मुझे भी आपके नाम से रिहाई मिल गई है। आज से मैं सिर्फ माया हूँ।
मन यारम मन जानम। जा सकता है, आंखों के जरिए अपने दिल में जो बसा लिया है मैंने। मुझे लगता है तुम कुछ दिनों में शायरी करने लग जाओगी। आई स्वेयर। मेरा तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी मोहब्बत में एक दिन वो शायरी जरूर करने लगेगी। मन यारम मन जानम तू ही तो रे। चलो। मन यारम मन जानम तू ही तो रे। वेरी गुड, वेरी गुड, इम्प्रेसिव। कि बेटा थोड़ा और फोकस करो, बहुत अच्छा जा रहे हो तुम। ये लीजिए, वेरी गुड। कि बेटा जी। What's wrong with this? Nothing. यही तो मैं भी कह रही हूँ। अगर असाइनमेंट ठीक है तो आपने रिमार्क्स क्यों नहीं दिए? बेदहानी में शायद रिमार्क्स देना भूल गया। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं बिहेव योरसेल्फ। आप मेरे असाइनमेंट को बिल्कुल वैसे ही इग्नोर कर रहे हैं जैसे आप मुझे इग्नोर करते हैं। देखिए मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, मुझे इस तरह की गुफ्तगू बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि मैं आपको पसंद नहीं हूँ इसलिए आप मेरी बात का जवाब दिए बगैर नहीं जा सकते। देखिए मैं आपकी किसी बात का जवाब देने का पाबंद हूँ भी। आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? माय स्टे इन योर लिमिट्स प्लीज। व्हाट लिमिट्स? वही लिमिट्स जो एक स्टूडेंट की होती है। तो फिर आप मेरे लिए अपनी लिमिट्स को रीडिफाइन कर लें। Because I'm in love with you. पाने की तुझको माया आस लगी है। मन जानम मन यारम मन जानम। यार गौहर तेरे डैड को बिजनेस में इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली है, एक शानदार पार्टी तो बनती है। अच्छा दे दूंगा और तुझे ही बुला लूंगा पकड़। ये माया क्या हुआ? आई डोंट नो, क्लास में तो ठीक थी। हे माया क्या हुआ? जल्दी ओके, कहाँ जा रही हो? घर। यूनिवर्सिटी टाइमिंग्स में घर? इतना प्यार तो नहीं है घर से तुम्हें? क्या किसी ने कुछ कहा? तू मुझे कुछ कह सकता है? ओह इजी टाइगर। अच्छा बताओ हुआ क्या? पानी वो खुद को समझता क्या है? कौन? You need to stop pretending. तुम्हें पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मुझे ये बात नहीं समझ आती कि तुम उसको इतनी importance देती क्यों हो? पता है?
जानबूझ के मुझे इग्नोर करता है। वो मुझे इग्नोर करता है ताकि मैं इरिटेट होकर उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट। माया, ये एक मिडिल क्लास लड़के का बहुत एक सिंपल टैक्टिक है एक वेल ऑफ लड़की की अटेंशन लेने का। नहीं, इसका मसला ये नहीं। तो क्या मसला है माया? He just thinks he's very special. Because you make him feel special by giving him this importance. उसको तुम ये एहसास दिलाना बंद कर दो, क्योंकि इस एहसास पे सिर्फ मेरा हक है। इसीलिए मैं तुमसे कोई बात शेयर नहीं। अच्छा 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 एक सेकंड, सॉरी। अच्छा, लेट मी टेक यू आउट फॉर अ कॉफी, हमारा मूड अच्छा हो गया। Whatever. अम्मी, क्या सोच रही हैं आप? आपा का फोन आया था, शहजाद भाई और वो इतवार को आ रहे हैं। तो उनके आने से इतना परेशान क्यों हो रही हैं? परेशान नहीं, इस तरह आने का तो मुझे एक अरसे से इंतजार था उनका। क्या मतलब, इस बार उनके आने का कोई खास मकसद है क्या? आपा की बातों से तो ऐसा लग रहा था कि वो तुम्हारा रिश्ता मांगने आ रहे। मोमिन ने नहीं बताया तुम्हें? नहीं तो, जानबूझ के नहीं बताया होगा सरप्राइज देने के चक्कर में। भला कोई ऐसी बात भी छुपाता है क्या? अब तुम लड़ने ना बैठ जाना। आपने तो बताया नहीं कि आप क्यों परेशान है। तुम्हारे बाबा की तरफ से धड़का लगा हुआ है। उन्होंने हमेशा शहजाद भाई और आपा की हर बात की मुखालफत की है। डरती हूँ कहीं इनकार ना कर दे। अम्मी आप ही ना, बाबा मेरी खुशी की खातिर कभी इनकार नहीं करेंगे। अल्लाह करे ऐसी। आपने बाबा को बताया? नहीं, डरती हूँ कि कहीं उनके आने का सुनकर कोई नया बहाना ना बना ले। उन्होंने आप और शहजाद भाई को कभी दिल से कबूल ही नहीं किया। आप परेशान ना हो, आप बाबा को बता दें, जब खाला और खालू के आने की वजह जानेंगे तो इस बार वो उनको दिल से वेलकम करेंगे। अल्लाह करे। एक तो हमारे घर सारे फैसले आनन फानन होते हैं। अभी फरी की शादी की तैयारी मुकम्मल नहीं हुई थी कि मोमिन की शादी का इरादा कर लिया। अम्मी क्यों टेंशन ले रही हैं आप, हो जाएंगी तैयारियां। वैसे भी अम्मी, भाई की शादी की कौन सी कोई लंबी चौड़ी तैयारी होनी है। भाई सादगी पसंद है, सादगी से शादी करेंगे, देख लीजिएगा। वो करते ना सादगी, हम तो मुकम्मल तैयारी करेंगे, हमारा इकलौता भाई है। अच्छा अच्छा, हो जाएगा, पहले आशी के माँ बाप को हाँ तो कर लेने दो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। लगता है कोई खास बातें चल रही। अम्मी भाई को जरा गौर से देखें। क्या मतलब, क्या हुआ है? अरे देखे तो सही गौर से। क्या हुआ है? क्या हुआ, क्या है? मुझे तो नहीं समझ आ रही आप क्या दिखा रही हैं। क्या हुआ है, क्या देखूं? क्यों मेरा दिल दहला रही हो, बताओ मुझे क्या हुआ है? अरे अम्मी देखे, कितना शानदार भाई है हमारा। पालक हर लू तो क्या, कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। जान निकाल दी मेरी। भाई आशीर्वाद जी से कहें कि अपना केस पक्का कर लें, ताकि इनकार की कोई गुंजाइश ही ना रहे। मुझे जरूरत ही नहीं है उससे बात करने की, ये केस मैं वैसे ही जीता हूँ। खुशफहमी तो देख लो। खुशफहमी नहीं, खुद पर भरोसा है मेरे बच्चे को। अरे मेरा मोमिन इतना काबिल है, अच्छे अखलाक और मजबूत किरदार का मालिक है। ऐसे दामाद तो नसीब वालों को मिलते हैं। अम्मा मोमिन तो होता ही बाखलाक और बाकिरदार है, बस दुआ क्या करें कि उससे किसी को तकलीफ ना पहुंचे। बेटा अल्लाह का वादा है कि जो दूसरों की तकलीफ को दूर करता है अल्लाह मियां उनके लिए आसानियां पैदा करता है। बेशक। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। आप कहां से आ रहे हैं? वो आसिम की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको मिलने के लिए गए थे। आसिम अंकल की फिर तबीयत खराब हो गई? बिल्कुल अब्बा, बल्कि मैं चक्कर ही लगा लेता। आपा, जो बात आपने अम्मी से पूछी थी ना भाई के बारे में, बाबा से भी पूछे ना। बाबा भाई की तरफ गौर से देखें। फिर शुरू हो गई तुम,
क्या हो रहा है, मुझे भी तो बताओ कुछ। अरे मुझसे गलती हो गई, जो मैंने कहा कि रिश्ते की बात पहले आंसा और जमील से तो कर ले, वो हाँ करते भी हैं या नहीं, बस इन दोनों ने तो मेरा मजाक ही बना दिया। मोमिन को लाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया कि बताइए हमारे भाई में कोई कमी है कि वो लोग इनकार करेंगे। ये वैसे इसकी बात बिल्कुल वैलिड है, तुम जरा सीधे खड़े हो। क्या किया पापा मैंने? अरे क्यों तंग कर रहे हैं मेरे बेटे को? अच्छा मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अल्लाह हर एक को ऐसा बेटा दे, मुझे अपने मोमिन पर मान। ईमान आपको मुझ पे नहीं अपनी तबीयत पे आता, जिसकी वजह से आज तक मैं किसी के सामने ना थी। नहीं जी चलो बेटे। अरे आशी कहाँ जा रही हो? खाला के और कहाँ? कोई काम है वहाँ? काम? काम क्या होना है, परी और रैनी के साथ गपशप करूंगी और क्या। आप कहीं नहीं जा रही हैं, आप घर पे रहेंगी और गपशप लगाने का मूड है ना तो मैं हूँ इस काम के लिए। आज अचानक से इतनी पाबंदी क्यों? पाबंदी नहीं एहतियात है, वो लोग तुम्हारा रिश्ता लेने आ रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम पहले की तरह बेतकल्लुफी से उनके घर जाओ। अभी रिश्ता मांगने आ रहे हैं और आप मुझे पाबंद कर रही? जब रिश्ता तय हो जाएगा आप तो मुझे कमरे में माइयों बिठा देंगी। हाँ जब वक्त आएगा ना माइयों बिठाने का तो वो भी बिठा दूंगी। अम्मी ये तो जुल्म है ना, अभी रिश्ता तय नहीं हुआ है और आप कमरे में भेज रही हैं मुझे, जब रिश्ता तय हो जाएगा तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी। मोमिन मैं क्या करूं, आपका ख्याल मेरे दिमाग से निकलता ही नहीं। अगर आपने मोहब्बत की होती तो आपको अंदाजा होता कि मोहब्बत करने वाला जवाब में मोहब्बत पाने के लिए कैसे कैसे तड़पता है। मन यारम मन जानम तू ही तो रे, दिले मोमिन का ये कासा भरता ही नहीं है, भरता ही नहीं है, भरता ही नहीं है। शर्त जो दिल की लगी हो, शर्त जो दिल की लगी हो, मुकरता भी नहीं है, मुकरता भी नहीं है। मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू ही तो रे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं नहीं बोलूंगी तुमसे। अच्छा तो आपने ये बताने के लिए फोन किया है कि आप नहीं बोल रही मुझसे? हाँ बिल्कुल नहीं बोलूंगी, भला कोई करता है इस तरह? क्या हुआ, क्या कर दिया मैंने? तुमने मुझे बताया कि उनके खाला और खालू आ रहे हैं हमारे रिश्ते के लिए।
आशी जाहिर सी बात है वो तुम्हारी तरफ ही आएंगे ना। अच्छा अगर कोई एतराज है तो कहीं और भेज देता हूं उन्हें। कहीं और मतलब तुम उनको कहीं और भी भेज सकते हो? इसी बात का तो डर था मुझे। जब से तुमने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है ना पता नहीं कितनी लड़कियां तुम पे मरती होंगी। मैं नहीं तो कोई और सही। तुम्हें वाकई लगता है कि लड़कियां मरती होंगी मुझ पे? मरती है तो मरती रहे बल्कि मेरी तरह से तो मरी जाए। और अगर नहीं मरेंगी ना तो मैं उनको खुद आके मार दूंगी। सुना तुमने? आशी मोमिन मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरे सिवा कोई और भी तुम्हारे बारे में सोचे। सुना तुमने? हाँ लेकिन एक दफा मेरी बात तो सुनो ना। मैं मोमिन सिर्फ तुम्हारा है पागल। परेशान मत हुआ करो।